तो मैम के बारे में बता दूं, मैम मुंबई रह के आई हैं तीन साल के लिए। व्हाट इज योर नेम मैम? सो बोंजोर्नो। बोंजोर्नो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अलमाटी मॉल के मेन गेट पे और मैं दिखाता हूँ आपको मतलब अलमाटी कितना डेवलप है। मैम वुड यू ट्राई लाइक इंडियन स्नैक्स? ओके। मैम को इंडियन स्नैक्स ट्राई कराते हैं। हाउ यू वुड लाइक? भाई हम लग रहा है थोड़ा सा गलत जगह पे आ चुके हैं। ये देखो डोलची गवाना जैसे ब्रांड है भाई। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने ये पूरा मतलब पार्क ये बनवाया था अपने एज अ मुगल गार्डन। तो गाइस अभी हम अपनी बस में चढ़ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बस किस तरीके की है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आपका एक बार से फिर स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हमारे अलमाटी कजाकिस्तान में चौथा दिन और आज हम जाने वाले हैं प्रेसिडेंशियल पार्क और उसके बाद हम जाने वाले हैं मेट्रो में। जो यहाँ की मेट्रो है वो आपको बता दूँ 100 फीट मतलब अंडरग्राउंड चलती है। मैं आपको आज वो भी दिखाऊँगा कि यहाँ की मेट्रो किस तरीके से चलती है और किस तरीके का वहाँ का नज़ारे होते हैं मेट्रो के। तो जो आप प्रेसिडेंशियल पार्क जाते हो तो उसके लिए मैंने 2G ऐप पर देखा है 121 नंबर बस मिलती है। तो अभी हम रोड पे जा रहे हैं और उसी का वेट कर रहे हैं। 121 नंबर बस आप भी याद कर लेना अगर आप प्रेसिडेंशियल पार्क जाते हो तो 121 नंबर बस में बैठना। तो अभी बस ही बस हमारी आने वाली है, बस में बैठ के मैं आपको मिलता हूँ और निकलता हूँ प्रेसिडेंशियल पार्क के लिए। तो गाइज अभी हमें ये मैम मिली है और मैम से हमने रास्ता पता किया तो मैम बता रही किस साइड हमें प्रेसिडेंट पार्क के लिए मतलब बस मिलेगी। तो मैम के बारे में बता दूँ, मैम मुंबई रह के आई हैं तीन साल के लिए। व्हाट इज योर नेम मैम? Maybe if you would like I can speak English. Yes, My name is Nargiza and okay. I'm from Almaty. Oh, ma'am. One time I working in Mumbai during coronavirus time. Oh. Yeah. Ma'am, what about you think from India? So, in India I really like and would like your kitchen. Oh, really nice with and a lot of spices. Food and also food. Yeah, a lot of spicy food. So spicy. So spicy, really much more spicy than our kitchen. But our kitchen is a power for a lot of meats, yes? Okay. But you are more better maybe and healthy because your people can really relax without meat. Our Kazakh people cannot. Thank you. And would you try like Indian snacks? Okay, ma'am ko Indian snacks try karate hain. So, how you would like to shoot my reaction for that? Yes. Okay. Ma'am, you like ma'am, spicy, na? No, spicy, sweet and spicy. Sweet and spicy. Yes. So much for me now. So much. Koi nahi, maybe small, yeah. You can try. I know it's like a dry snack. मैम को इंडियन स्नैक्स ट्राई कराते हैं और पता मतलब पूछते हैं कैसा लगता है। I love the snacks. Yeah. You know? Can be yes. If kolaba something I buy like. Kolaba. kolaba. You know kolaba? Kolaba is Kajak snacks. Okay. Sorry. And also Indian chocolates for you. Oh, thank you. Okay. So, any bus we can go to the President Park, yes? Yes, President Park. Shortcut way. It's better if you sit metro. 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 Where is metro? Better. To station Moskva. Okay. Moskva. And after Moskva you can go out, okay. Yes? And ask some people about buses which going is really near with the company. Okay, ma'am, your English is very good. Really? But not with you. Ma'am, where is this metro? Metro. This side. After this building. Okay. Ma'am. Rahmat. Okay. You are very pretty. Ma'am. Beautiful. Say hi. Have a nice day. Yeah. Thank you. And many regards for India. तो भाई अभी हम अपनी बस में चढ़ चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि बस किस तरीके की है आगे से। ये देखो और ये पूरी इलेक्ट्रिक बस होती है और उसके जो तीन गेट होते हैं उसमें काफ़ी मतलब लंबी बस चलती है। आपको दिखाता हूँ ये देखो और आप मतलब किसी स्टेट से भी चढ़ जाओ आपको मोस्टली काफ़ी सारी बसें मिल जाएंगी वहाँ जाने के लिए। आप किसी बस में चढ़ो तो आप यहाँ की लैंग्वेज में आपके पास गूगल ट्रांसलेटर होगा या 2G ऐप मैंने आपको बताया था डाउनलोड कर लेना तो आप यहाँ के ड्राइवर को दिखा दो और आपको वो वहीं पर उतार देगा। आपको आने से पहले ना बता देगा कि मतलब आपकी डेस्टिनेशन आ गई है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी मैं आपको एक बार ना
बस आगे से दिखाता हूँ कि किस तरीके की यहाँ की बस होती है। और प्रेसिडेंट पार्क समथिंग हम थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे। यहाँ से शायद 14 से 15 किलोमीटर है, यहाँ से जिस स्ट्रीट से मैं चढ़ाऊँ तो 15 किलोमीटर है समथिंग। बार बार ये चौराहे पर रुक रही है तो समथिंग 20 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो किस तरीके से आगे से होती है बस। हेलो ब्रो, कुछ इस तरीके से आगे से होती है बस पूरी, मतलब आगे से काफ़ी बड़ा मिरर है, काफ़ी मस्त लग रही है बस। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में दिल्ली वगैरह या बड़ी सिटीज में बस होती है वो उस टाइप की है, और बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रही है ये बस, काफ़ी मतलब साइलेंट बस है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बस है तो आवाज़ तो वैसे भी नहीं होगी। तो बस अभी हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पे। हेलो ब्रो, तो अभी बस हम चलने ही वाले हैं, और यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, किसी से भी आप बात करो तो मतलब अच्छे से बात करते हैं। तो बस अभी हम पहुँचते हैं प्रेसिडेंट पार्क में, और प्रेसिडेंट पार्क में आपको जाकर मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ किस तरीके का प्रेसिडेंट पार्क। तो अभी बस से उतर के हम पहुँचने वाले हैं प्रेसिडेंशियल पार्क, और बस इस साइड ने बस ने हमें इस साइड उतारा था, और ये ऊपर एक ओवर ब्रिज है जिस पर से हम जा रहे हैं। तो ओवर ब्रिज भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, पूरी इसमें से मतलब ओवर ब्रिज फटा हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सामने इस तरीके का ये ओवर ब्रिज है जिस पर से होकर हम प्रेसिडेंशियल पार्क जाएंगे, और वो सामने दिख रहा है प्रेसिडेंशियल पार्क, तो वहीं पर हम जाने वाले हैं। बाकी मैं आपको एक बार ना व्यू चेकआउट कराता हूँ। ये देखो भाई सामने पूरा ना स्नो के माउंटेंस दिख रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल कुछ इस साइड इस तरीके का है। तो जो अल्माटी सिटी हुई है ना पूरा पहाड़ों के बीच गिरी हुई है, तो उस वजह से ना काफ़ी एस्थेटिक मतलब व्यू लगता है। अगर आप थोड़ा ऊँचे से ऊँचाई से देखोगे ना किसी अच्छे माउंटेन्स पे जाके आप देखोगे जहाँ से आप ये पूरा अल्माटी का व्यू दिखाई देता हो ना, तो बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है गाइस यहाँ का अल्माटी का सिटी का। और यहाँ ना जिस एरिए में हम घूम रहे हैं 3-4 दिन से, ये काफ़ी एक पॉश एरिया है, यहाँ पर मोस्टली सारी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं, मोस्टली भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स सोवियत के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। बट यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं ना काफ़ी अच्छी अच्छी हैं, और मोस्टली यहाँ पे सैमसंग वगैरह या ये सारी कंपनियों के यहाँ पर ऑफिस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले अभी हम प्रेसिडेंशियल हाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या है देखने के लिए प्रेसिडेंशियल हाउस में। ये देखिए कुछ इस तरीके के व्यू आ रहे हैं गाइस, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है समथिंग, 6 लेन रोड है ये, और साइड में मतलब जो इसका पैदल चलने के लिए होती है ना वो भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है यहाँ पे, तो काफ़ी डेवलप है अल्माटी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं प्रेसिडेंशियल पार्क में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये पार्क है, चारों तरफ का मैं आपको 360 व्यू देता हूँ गाइस। ये देखिए मस्त लग रहा है भाई, चारों तरफ तगड़ी स्नो पड़ रखी है, और ये देखिए बड़ा सा एप्पल जिसके लिए अल्माटी जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम भी है ना अल्मा अल्माटी। तो अल्मा जो है ना वो एप्पल का ही वर्ड है, एक यहाँ के यहाँ बोलते हैं अल्मा, तो यहाँ के लोग एप्पल को बहुत पसंद करते हैं, और काफ़ी यहाँ पे ना एप्पल बहुत हर जगह मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते रेटों में। तो अभी मैं अंदर की साइड चल रहा हूँ इस पार्क के, और देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या है घूमने के लिए। ये देखिए गाइस कितना मस्त व्यू लग रहा है, ये काफ़ी बड़ा है ये पार्क, और काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने आ रखे हैं, रशिया वगैरह से तो बहुत लोग आते हैं यहाँ पर ट्रैवल के लिए। बाकी अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की साइड क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए इस बार सामने से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा है। तो भाई यहाँ के बारे में आपको फैक्ट बता दूँ, ये जो प्रेसिडेंशियल पार्क जैसे बोलते हैं ना, जब 1991 में USSR से कजाकिस्तान अलग हुआ था तो यहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उन्होंने इसे एज अ गार्डन अपने लिए बनवाया था घूमने के लिए, क्योंकि उस समय जो यहाँ की राजधानी थी वो अल्माटी थी, अब तो यहाँ की राजधानी मतलब उन्होंने अस्थाना कर दी है। तो जब 1991 में USSR से अलग हुआ था कजाकिस्तान, तो उन लोगों ने जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने एज अ गार्डन ही बनवाया था, जैसे हमारे यहाँ मुगल गार्डन होता है ना, तो उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने पर्सनल घूमने के लिए ये बनवाया था बाद में। बट जब यहाँ से राजधानी शिफ्ट हुई अस्थाना के लिए तो इसे मतलब आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया, तो आम पब्लिक यहाँ पे आके चिल करती है और घूमती घामती है। बस यही है यहाँ का फैक्ट। बाकी भाई शायद गर्मियों में यहाँ पे मतलब थोड़ा और अच्छा लगता हो, बट अभी तो चारों तरफ स्नो है और ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है घूमने वालों की, थोड़े बहुत ही लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि अभी टूरिस्ट ना थोड़ा सा स्नो में कम आते हैं, मोस्टली टूरिस्ट मार्च के बाद आते हैं। अगर आप मार्च के बाद यहाँ पे विजिट करते हो ना तो आपको काफ़ी अच्छी खासी भीड़ मिलने वाली है। अभी तो यहाँ पे मतलब कोई इंडियंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा,
यहाँ के लोकल्स हैं या जो रशिया वगैरह से एक दो टूरिस्ट आए हुए हैं ना, वही हैं यहाँ पे। तो गाइस देखो अभी मैंने ये क्या लिखा है यहाँ पे स्नो में, हम इंडिया से आए हुए हैं तो हम यहाँ पे इंडिया और कजाकिस्तान की फ्रेंडशिप के लिए मैंने लिखा है आई लव इंडिया एंड कजाकिस्तान। ये देखिए आई लव इंडिया डॉट के जेड। तो अच्छा लग रहा है गाइस ना, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी जो ये पार्क है ना काफ़ी मतलब बड़ा है, काफ़ी किलोमीटर में फैला हुआ है। तो अभी आगे चल के और देखते हैं कि किस साइड मतलब क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए कुछ है या नहीं है। ये देखिए सामने की साइड ना, ऊपर की साइड और काफ़ी कुछ है घूमने के लिए, तो उस साइड हम चल रहे हैं अभी और देखते हैं क्या क्या है वहाँ पे। भाई ब्लैक आइस जम रखिएगा गाइस यहाँ पे थोड़ा सा, इस वजह से फिसलन भी है। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जिसने ये पूरा मतलब पार्क ये बनवाया था अपने एज अ मुगल गार्डन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये हैं, इन्होंने ये पूरा गार्डन बनवाया था और इनका नाम मैं आपको बता दूँ, इनका नाम था नूर सुल्तान और ये कजाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जब कजाकिस्तान USSR से अलग हुआ था 1991 में। और कुछ इस तरीके से ये चारों साइड है, ये जो स्टैचू लगा हुआ है ना ये पूरा पूरे पार्क के मिडिल में लगा हुआ है। तो पार्क में ऐसे घूमने के लिए काफ़ी कुछ है और मतलब काफ़ी मैं बोलूँगा ना एकड़ों में फैला हुआ है ये भाई, बहुत ही बड़ा ये प्रेसिडेंशियल पार्क है और इसलिए यहाँ पर मोस्टली लोग घूमने आते हैं, फ़ोटो वोटो क्लिक कराने आते हैं। और इसमें है ना भाई तो काफ़ी एस्थेटिक फ़ोटोज़ आ रहे हैं यहाँ पे मस्त से, और मैं भी अभी थोड़े से फ़ोटो वोटो क्लिक कराऊँगा। और ये देखो यहाँ पे पेड़ों पर जो स्नो की रखी है ना मस्त लग रही है गाइस, ये देखो पूरा ये सामने तक स्नो पार्क, सॉरी यहाँ का पूरा ये सामने तक ये पार्क फैला हुआ है प्रेसिडेंशियल पार्क, ये देखो। तो बस कुछ इसी तरीके का ये पार्क है और आप यहाँ पे आ सकते हो अगर आप अलमाटी आ रहे हो तो, फोटो वोटो आपके मस्त से बन जाएंगे यहाँ पे। तो बस अभी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तो गाइज अभी मैं मॉल की साइड जा रहा हूँ और हम प्रेसिडेंट पार्क घूम के आ चुके हैं। तो मैं आपको यहाँ की बस का सिस्टम बताता हूँ, यहाँ पे मतलब कंडक्टर वगैरह नहीं होते जैसे हमारे यहाँ होते हैं, तो यहाँ पे आपको खुद ही जाके टिकट लेना पड़ता है और अगर आप टिकट नहीं भी लेते हो ना तो आप बेटर हो, कोई टिकट मांगता नहीं है। तो आप टिकट ले लें खुद से ही, नहीं तो पता लगे इंडिया का नाम खराब हो, कोई आगे पकड़ पकड़ ले आपको। तो बाकी मैं बताता हूँ यहाँ के जो लोग आते हैं ना वो यहाँ पे एक स्कैनर लगा हुआ है तो वो स्कैन कर देते हैं और कार्ड वगैरह उनके पास होता है, जैसे कि हमारे यहाँ मेट्रो वगैरह में कार्ड बन जाता है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये लगा हुआ है ना, जैसे आगे लोग स्कैन कर लेते हैं और उनका टिकट कट जाता है। बाकी मुझे डेप्थ में पता नहीं है मतलब सिस्टम पूरा क्या है इस बस का या यहाँ का। तो अभी चल रहे हैं अपने मॉल और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यहाँ का मॉल। तो गाइस अभी हम अपनी बस से उतर चुके हैं मॉल के लिए और हमने उन्हें मॉल बताया था कि हमें मॉल जाना है तो उन्होंने कहीं पे हमें उतार दिया। मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई कितना बड़ा मॉल है यहाँ का, और ये अलमाटी का ना, अलमाटी का सबसे बड़ा मॉल है। ये देखिए बाहर से भाई कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है ना ये पूरी भाई अलमाटी मॉल की है। और मैं अभी बताता हूँ आपको हमें किस साइड से जाना है, क्योंकि मॉल उस साइड है और हम इस साइड हैं, तो यहाँ पर अंडरपास है तो उसमें से होके हम उस साइड के लिए जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अंडरपास किस साइड का है, किस तरीके का है। ये देखो ये अंडरपास है और इसमें से होके हम नीचे जाएंगे और उस मॉल की साइड को हम पहुँच जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ ना ओवरब्रिज होते हैं तो यहाँ पे मोस्टली अंडरपास होते हैं और ये सोवियत यूनियन के टाइम के बने हुए हैं। ये देखिए थोड़ा सा अंधेरा है यहाँ पे भाई, मस्त लग रहा है। और ये बिल्कुल ना जो ऊपर रोड बने हुए हैं तो उसके लिए रोड के नीचे से ये अंडरपास बना हुआ है। ये देखो मस्त सा लग रहा है भाई, मतलब बढ़िया व्यवस्था। तो अभी उस साइड पहुंच के मैं आपको दिखाता हूं अंदर से मॉल। ये देखिए और अभी मैं पहुंच ही चुका हूं उस साइड, ये देखो अभी हम उस साइड थे और इस अंडरपास को क्रॉस करके ये देखो ये है मॉल। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अलमाटी मॉल के मेन गेट पे और मैं दिखाता हूं आपको मतलब अलमाटी कितना डेवलप है और ये यहाँ के जो मॉल्स वगैरह हैं कितने ज़्यादा डेवलप हैं। ये देखिए आपको इस गेट से अंदाज़ा लग जाएगा, ये देखो कुछ इस तरीके से इस मॉल के गेट हैं। और चलते हैं अभी अंदर, और ये इसलिए भी होते हैं कि जो हवा है ना बाहर की ठंडी हवा अंदर ना जाने पाए, बाहर कितने भी ठंड हो गाइस बट जब आप अंदर जाते हो ना तो बिल्कुल माहौल ऐसा होता है जैसे बिल्कुल गर्मी चल रही हो, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग होती है ना मोस्टली सारी भाई मतलब हीटेड होती हैं, अंदर जो गैस वगैरह से ना कवर कर रखी होती है मोस्टली रशिया जितने भी ठंडे इलाके हैं ना कनाडा वगैरह या और कंट्री जो हैं। और ये देखिए ये सारे गाइस सेंसर वाले हैं गेट, डॉल्फिन वाला तो गाइस
भाई हम लग रहा है थोड़ा सा गलत जगह पे आ चुके हैं। ये देखो डोलची गवाना जैसे ब्रांड है भाई। मुझे लग रहा है भाई गाइस यहाँ पे हमारा कटने वाला है, तो अभी ऊपर चलते हैं और कुछ खाने पीने का देखते हैं हम तो। हेलो, तो ये लोग मैम साफ सफाई कर रही हैं, बाकी अभी चलते हैं ऊपर की साइड। और भाई यहाँ के ब्रांड देखो आप, गुच्ची डोल्ची गवाना ये सामने। तो भाई अभी हम सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे आ चुके हैं और हम थोड़ा सा गलत मॉल में आ गए हैं भाई। थोड़ा सा ये ज़्यादा हाईटेक मॉल है, दुनिया के इतने बड़े ब्रांड है ना वो सारे यहाँ पे भाई मौजूद हैं। मैं आपको एक बार ना व्यू दिखाता हूँ। और भाई कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पे, जैसे मैं नीचे आया था ना तो उन लोगों ने ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं कैमरा नॉट अलाउड, बट मैं थोड़ा सा साइड में बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जैसे हम नीचे आए थे ना तो मतलब थोड़ा सा मुझे लगा गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना सारी लेडीज थी, तो उन्होंने सेकंड फ्लोर वाले को कॉल कर दिया। बाकी जब हम थर्ड फ्लोर पे आए तो वो लोग हमें ऐसे देख रहे थे थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे कोई चोर वोर आते हैं, तो थोड़ा सा गलत लगा। बाकी अभी हम किसी और मॉल में जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो बर्गर किंग था ना मैंने पता किया था, तो वहाँ पे भाई ओनली बीफ और चिकन दो ही बर्गर हैं। इस बीफ वगैरह तो यार यहाँ पे ज़्यादा खाते हैं। उसके अलावा आपको पता है यहाँ की जो नेशनल डिश है हॉर्स मीट ना, वो तो हर जगह मिल ही जाता है। उसके अलावा बीफ मीट, वो बीफ चिकन और ओनली चिकन बर्गर है भाई। मैं आपको यहाँ का देखो बर्गर किंग दिखाता हूँ। ये देखो सामने वो बर्गर किंग है और वो सामने भाई देखो मतलब एक से एक बड़े स्टार वगैरह मुझे लगता है यहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे, एंड काफ़ी बड़ा मॉल है ये। बाकी भाई मैं यहाँ पे अब निकल रहा हूँ, यहाँ से कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं बस तुम दिखाना था, मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो तो गाइस अभी हम मॉल से आ चुके हैं वापसी, और जैसे कि मैंने आपको बताया था वही वो तो बड़ा हाईटेक मॉल था, वहाँ तो कुछ खाने पीने के साथ था भी नहीं। बाकी वहाँ बीफ मिल रहा था, बाकी चिकन वगैरह मिल रहा था, तो मैंने वहाँ से लिया नहीं। और उसके अलावा मैंने और यहाँ पर तलाश किया ना तो KFC वगैरह ही था मोस्टली, यहाँ पर चिकन वगैरह ही मिलता है, वेज में कुछ था नहीं। तो अभी मैं अपने रूम पर आ चुका हूँ। बाकी मैं मेरे पास में जो एक ना जनरल स्टोर है तो वहाँ से मैं एक ये दही ले आया था, उसके अलावा फ्रूट्स ले आया हूँ मैं, एप्पल वगैरह और ऑरेंज वगैरह, तो यही मैं खाने वाला हूँ भाई आज तो, बाकी कल देखते हैं। तो आज की जो वीडियो थी, आज की वीडियो को यहीं पर फिनिश करने वाले हैं। कल हमारा ट्रिप का 5वां दिन है, तो कल हम शैम्बुक वगैरह जाने वाले हैं। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर फिनिश, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। बाय बाय और जय श्री राम।